अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मोहम्मदपुर दीवान जिनाबाद कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम, अहले मोहल्ला शदीद अज़ियत में मुब्तला, हजारों अफराद घरों में महसूर। मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद सिटी रिपोर्टर मलिक शाहिद से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान जिनाबाद कॉलोनी के अंदर। यहाँ पे जो है ना सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। नमाज के लिए बूढ़े बच्चे जवान नमाज के लिए बहुत परेशान होते हैं। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। जब बारिश होती है तो यहाँ से आदमी घर से भी नहीं निकल सकता। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदगी है, कितनी बदबू है। हमने कितनी मरतबा डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दी है और मकामी जो सरदार हैं उनको भी कहा है भाई जनाबाद कॉलोनी, मंशा कॉलोनी और हमारे साथ करीमाबाद कॉलोनी भी लगती है। हमने उनको बोला भाई इनका जो है ना सीवरेज का निज़ाम जो है सेट कर दें, तो उन्होंने हमें हर बार यही बोला है हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कामी एसी डीसी से मुतालबा है जो इस कॉलोनी का जनाबाद कॉलोनी का जो है सीवरेज का जो है ना मसला हल कर दें। हमारे साथ मौजूद है अहले मोहल्ला, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो उनके क्या मुश्किल हैं। अली सारा पानी है, गली के सामने पानी है, 5 फुट की गली है सारी मोहल्ले की। फरूकिया जामा मस्जिद असा नहीं सहन सकते, असा हस्पताल रोड गिन के वेंदे बंद गिन। इो कुछ आखना चाहूँ सर, मसला हल करें मेहरबानी कर। पानी नहीं, रस्ता का नहीं, गलियों का खराबी है, यकी हर बाल निकले शिकड़े सौदे अजाब में तंग हूँ। डीसी साहब को क्या आखो भली सारे निकासी दा मसला हल कीता वंजे? सारे निकासी दा मसला हल थिया वंजे, ये पानी दा मसला हल थिया वंजे, दुबे जके भरे गणे नालियां जके भरे गणे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद थे अहले मोहल्ला, उनका भी मौका भी यही था कि हमारा जो है ना सीवरेज का निजाम सही कर दें। जी अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोहिणी।